नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ कि जहां टैक्स चोरी की आशंका में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी डीजीजीआई की टीम ने गुरुवार सुबह इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप पर छापा मारा है। ये कार्रवाई कानपुर, कन्नौज, गुजरात, मुंबई स्थित प्रतिष्ठानों पर एक साथ की गई। बता दें कि पीयूष जैन ने एक माह पहले समाजवादी नाम से इत्र भी लॉन्च किया था। वहीं अधिकारियों ने मौके से दस्तावेज और नकदी भी जब्त कर ली है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक 150 करोड़ रुपए कर चोरी के सबूत हाथ लगे हैं। वहीं इत्र कारोबारी पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के छिपत्ती के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये जूही थाना क्षेत्र के आनंदपुरी में रहते हैं। साथ ही ये सपा के एक नेता के करीबी भी बताए जा रहे हैं। सुल्तानपुर में जन्मदिन की पार्टी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे के गुर्गों ने बीजेपी नेता के साथ गाली गलौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता की तहरीर पर पुलिस ने बाहुबली विधायक संतोष पांडे समेत उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं FIR दर्ज होने के बाद से विधायक जिले से गायब हो गए हैं। देखिए, प्रकरण यह है कि जो भाजपा और भाजपा विचारधारा के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उनको हुज्जत करने के लिए सपा के लोग अपने तरीके से, सपाई तरीका जिसको कहते हैं, भौकाली तरीका, बंदूक दिखा करके और चारों तरफ से उरई और जालौन और एटा के गुर्गों और बदमाशों के माध्यम से और बंदूक की नली दिखा करके भयाक्रांत करना चाहते हैं। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत वादी जयशंकर त्रिपाठी निवासी नगर पंचायत लम्हुआ की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या 558/21 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पूर्व विधायक संतोष पांडे के साथ 8 नामजद एवं 10 अज्ञात लोगों को नामित किया गया है। इसकी विवेचना सुसंगत तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर स्थानीय स्तर से सुनिश्चित कराई जा रही है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी शुक्रवार को अपने अमेठी संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन रायबरेली के डीह विकास खंड के डीह कस्बे में पहुंचे, जहां उन्होंने खेल महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत की और उसके बाद वो डीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ ही बछरावा से विधायक राम नरेश रावत भी मौजूद रहे। सुल्तानपुर जिले के लभुआ विधानसभा सीट से पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे ने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में परशुराम जी की मूर्ति लगाई गई है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के मोहरा गांव में परशुराम की मूर्ति और एक भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसका पूजन अर्चन करने के लिए जल्द ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सुल्तानपुर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया था, जो अखिलेश यादव के राज में भी निरंतर चलता रहा, लेकिन बीजेपी ने उस अवकाश को समाप्त कर दिया और ब्राह्मणों का घोर अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पता नहीं है कि परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार हैं। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो फिर से परशुराम जयंती पर छुट्टी भी होगी और प्रदेश के प्रत्येक जिले में मंदिर, गुरुकुल और गौशाला भी बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हम लोग लगाने का विचार बनाए हैं और कई जनपदों में लग भी चुकी है। हमारे आराध्य देव हैं भगवान परशुराम जी और जो भी धर्म में और ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं सब उनको मानते हैं, भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी की थी और अखिलेश जी जब रहे मुख्यमंत्री तो उन्होंने अनवरत
भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्होंने हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी की ये कहते हुए खत्म कर दिया कि वो महापुरुष थे। तो मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण समाज इससे बहुत ही दुखी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इन विचार को हम लोग बटन दबा के जब वोट करेंगे इस बार उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने अपमानित किया है हमारे, उसका एहसास बहुत कायदे से ब्राह्मण कराने जा रहा है। सुल्तानपुर जिले के लबुआ विधानसभा क्षेत्र से सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे और क्षेत्र के ही बीजेपी नेता में नोकझोंक हो गई। वहीं इस नोकझोंक के बाद पूर्व विधायक ने बीजेपी नेता पर रिवॉल्वर तान दी, साथ ही उनसे अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। वहीं इस मामले में पूर्व सपा विधायक और उनके 8 समर्थकों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो सुल्तानपुर की तस्वीरें हैं जहां पर पूर्व सपा विधायक पर मुकदमा दर्ज किया गया है और ये नोकझोंक का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी नेता और पूर्व सपा विधायक के बीच ये नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद अब पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल हमारे एक रिश्तेदार महेंद्र मिश्रा जी हैं नरहरपुर पोस्ट पुरुषोत्तमपुर थाना कोतवाली बिहार, उनके यहाँ नाती का जन्मोत्सव था, मैं वहां पर गया हुआ। मेरे पहुंचने के 15 मिनट बाद पूर्व विधायक संतोष पांडे जी भी वहां पहुंच गए। केक काट कर जन्मोत्सव मनाया गया। अब केक काटने के बाद मेरे बगल आकर बैठ गए और बैठते ही उन्होंने कहा, तुम बहुत बड़े नेता हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको ठीक करना होगा, सुधर जाओ नहीं तो जिंदगी से हाथ धो लोगे। मैंने कहा कि भैया हमने क्या गलती किया बताइए। इतने पर उनके साथ कम से कम 10 सलाहधारी और 10 अन्य साथीगण, जिसमें उनके साले विवेक मिश्रा जी वो भी आए हुए थे, सारे लोगों ने हमको घेराबंदी करा करके हमारे मुंह में नाल डाल दिया बंदूक का और हमें माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां सारे लोग मिलकर देने लगे और मेरे ऊपर हमला कर दिए। और पदाधिकारी हैं उनको उच्चत करने के लिए सपा के लोग अपने तरीके से, सफाई तरीका जिसको कहते हैं, भौकाली तरीका, बंदूक दिखा करके और चारों तरफ से उरई और जालौन और एटा के गुर्गों और बदमाशों के माध्यम से और बंदूक की नली दिखा करके हयाक्रांत करना चाहते हैं। प्रकरण ये है कि पिछले दिनों 11 दिसंबर को यहाँ कुछ पत्रकार साथी हैं, उन्होंने बड़ी खबर भी छापी थी और चैनलों ने भी चलाया था कि भगवान परशुराम चेतना पीठ, एक भगवान का परशुराम जी का अच्छा मंदिर हम लोगों ने बनाया है, उस विषय को लेके आप लोगों ने छापा भी था, चलाया भी था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पूजन अर्चन करने उस कार्यक्रम में आएंगे। तो जब वो खबर छपी थी तो उसके दूसरे दिन ही मुझे मेरे लोकल, जो मैं लम्हुआ का चूंकि रहने वाला हूं, मैं पूर्व विधायक हूं, तो वहां के इंस्पेक्टर ने मुझे फोन किया और उसने मुझे फोन करके कहा कि आप मूर्ति कहाँ लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है कि मूर्ति मैं कहाँ लगा रहा हूँ। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत वादी जयशंकर त्रिपाठी निवासी नगर पंचायत लम्हुआ की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या 558/21 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पूर्व विधायक संतोष पांडे के साथ 8 नामजद एवं 10 अज्ञात लोगों को नामित किया गया है। इसकी विवेचना सुसंगत तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर हानि स्तर से सुनिश्चित कराई जा रही है। खबर गोंडा से है जहां आज उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास और महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित जिला महिला सम्मेलन कार्यक्रम में गोंडा पहुंची, जहां पर उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बसपा कांग्रेस महिला विरोधी सरकारें हैं और विरोधी पार्टियों में महिलाओं का सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं को आधार बनाकर योजना का संचालन कर रही है और सपा और कांग्रेस के नेता बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने को लेकर अमर्यादित बयान दे रही हैं। तो दर्शकों, वहीं ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है।
जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। वहीं इस दौरान डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर व्यवस्था बनाने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो पूरा मामला मुरादाबाद का है, जहां पर डीएम निरीक्षण करने पहुंचे थे। देखिए, जैसा हम सभी लोग देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केसेज लगातार बढ़ रहे हैं और कोविड के थर्ड वेव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसको देखते हुए हमारी पूरी टीम अलर्ट पोजीशन में है। आज हम लोग यहाँ पर सीएमओ साहब, सीएमएस साहब, इन लोगों के साथ हम लोगों ने सारी व्यवस्थाओं की विजिट किया है कि जो भी कमियाँ हैं उसको हम लोग अभी तत्काल दूर कर लें, जिससे अगर केसेज बढ़ते हैं तो पेशेंट्स को किसी तरह की असुविधा ना हो। यहाँ MCH विंग में हम लोग 100% रख सकते हैं, इसमें 80 ऑक्सीजन बेड है और 20 हमारा ICU है। इसके अलावा रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम 50% तक रख सकते हैं। हमारे 4 CSC में भी ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं और एक एक CSC में हम 50% रख सकते हैं, तो चारों में हम 200% रख सकते हैं। हमीरपुर में पंचायती राज कर्मचारी संघ ने खून से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को खत लिखा। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया है। वहीं इस दौरान जनपद की सभी ग्राम पंचायतों के सदस्य सहित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हमीरपुर का पूरा मामला है, जहां पर राज्य कर्मचारियों ने खून से PM और CM को खत लिखा है। वहीं बस्ती जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल की पहल पर गांव-गांव गरीब परिवारों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। बता दें कि अभी तक जनपद में 500 कंबल वितरित किए जा चुके हैं। वहीं संबंध में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए रोटरी क्लब की ओर से गांव-गांव जाकर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे गरीब जनता को ठंड से निजात दिलाई जा सके। ये हम लोगों की कंबल वितरण की गाड़ी थी, यहाँ पे जो रोटरी क्लब बस्ती है, रोटरी क्लब ग्रेटर बस्ती ग्रेटर है, उसके माध्यम से इन लोग के द्वारा कंबल वितरण का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। तो उसी की गाड़ी हम लोग के द्वारा फ्लैग ऑफ करी गई है। ये अब तक करीब 500 कंबल बांट चुके हैं और लगातार इसने इस शीतलहरी में गरीबों के मध्य कंबल बांटने का काम लगातार। महोबा में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर PM मोदी और CM योगी को खून से खत लिखकर मांगे पूरी करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। और हमने जो प्रांतीय आह्वान पर अपनी 5 मांगों को लेकर अपने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए हमने खून से पत्र लिखा है। हमारी मेन मांग है पुरानी पेंशन बहाली, विभागीय सेवा नियमावली, पुरानी पेंशन बहाली, प्रधानों से मुक्ति और पद नाम पंचायत सेवक किया जाए और विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए, इसलिए हमने इसे लिख कर प्रधानमंत्री जी को लिखा है। जहां केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समूहों का गठन कर महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहीं ताजा मामला लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पंचायत स्तर पर महिलाओं को प्रशिक्षित आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के महिलाओं को समूह के माध्यम से प्रेरित भी किया जा रहा है। ये हमारे NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है हम लोग पहले समूह गठन करते हैं। समूह गठन के ऊपर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्राम संगठन, ग्राम संगठनों को मिलाकर के एक संकुल स्तरीय संघ बनाया जाता है। ये जो हमारा संघ है इसका नाम लक्ष्य है, इसमें 9 ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं, इसमें 24 हमारे ग्राम संगठन हैं और 1000
198 हमारे समूह हैं, इसमें 2290 महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारी जो है। और इसका ये दूसरा गठन का तिथि था जो हमारा 2 साल पहले गठन होता, इसका वर्षगांठ मना रही थी हमारी दीदियाँ सब मिल करके। समूहों का मूल मंत्र है कि समूह जो है समृद्धि के साधन, वास्तव में समूह से समृद्धि का नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है। आज इस बैठक में संकुल स्तरीय जो बैठक थी, मेरे द्वारा यही बताया गया कि समूह अगर उत्पादन से जोड़ दिया जाए, उत्पादन पे बल दिया जाए, तो वास्तव में महिलाएँ तो स्वयं समृद्ध होगी, समूह समृद्ध होगा, परिवार, समाज और राष्ट्र समृद्ध होगा। तो यहाँ इनकी स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से जो ये कर सकती हैं, जिस तरह से ईशानगर ब्लॉक में बनाना फाइबर उत्पादन समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर के कराया था, उसी तरह यहाँ भी बल है कि उत्पादन से इनको जोड़ करके बेहतर से बेहतर कार्यों की ओर इनको अग्रसर किया जाए और इनकी जो कठिनाइयों को भी दूर करते हुए इनको आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हर्ष फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत का मामला यूपी के लखीमपुर खीरी के थाना खीरी क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर 3 साल के बच्चे के जन्मदिन पर की गई हर्ष फायरिंग में बच्चे की मां की मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की शुरू कर दी है। मेहमान आए थे, मेरे मुसलमान भाई थे, वो खाना तीसरी फायरिंग मेरी बीवी को लग गई, उससे बीवी को लगने से मृत्यु हो गई। थाना खीरी अंतर्गत चकमदनपुर ग्राम में कल शाम एक बर्थडे पार्टी में जयराम नामक व्यक्ति ने बर्थडे के अवसर पर फायरिंग की, जिसमें एक महिला को गोली लग गई, अस्पताल में जिसे मृत घोषित किया गया। उस संदर्भ में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है, आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार एक कार कई गाड़ियों में टक्कर मारने के बाद खुद पलट गई। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबरों की माने तो कार का ड्राइवर नशे में धुत होकर कार चला रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। रायबरेली में दबंगों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौराहे का है, जहां कुछ बाइक सवार युवकों ने एक युवक की बीच चौराहे पर जमकर पिटाई कर दी और पिटाई के बाद जबरन पीड़ित युवक को बाइक पर बिठाकर फरार हो गए। वहीं ये पूरी घटना स्थानीय युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। रायबरेली के रोडवेज बस अड्डे पर एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने सड़क के किनारे खड़ी कई बाइकों को कुचल दिया। वहीं इस हादसे के बाद से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई है। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली इलाके में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर दुपट्टे से लटकता मिला है। खबरों की माने तो यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं युवती का प्रेमी भी लापता बताया जा रहा है। साथ ही युवक के घर वालों ने युवक की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंकने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड पर स्थित राजीव विहार कॉलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कुछ दबंग एक युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बचाव करने आई एक महिला को भी दबंग पीटते नजर आए। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके में उस समय हंगामा हो गया जब कान्हा माखन मिलेनियम स्कूल के प्रबंधक की ओर से स्कूल के बाहर कराई जा रही बाउंड्री वॉल को स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा बताते हुए ध्वस्त कर दिया। बता दें कि गोविंद नगर इलाके के आजमाबाद के लोगों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब यहां पर स्थित कान्हा माखन मिलेनियम स्कूल के बाहर प्रबंधक की ओर से कराए जा रहे निर्माण को लेकर काफी हंगामा हो गया, जहां पर लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर निर्माण कार्य को ध्वस्त करते हुए काफी हंगामा किया। और यहाँ पर ये पार्क जो बना हुआ है ये ग्राम समाज की जगह है और ये कान्हा माखन मिलेनियम स्कूल है यहाँ पर, तो यहाँ पर इनके बच्चे भी खेलते हैं।
तो इन्होंने बात की यहाँ से हमारे प्रत्याशी जो भी हैं यहाँ पे, इनसे बात की पार्षद साहब से, तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे तब तक खेला करेंगे, तब तक हमारा कोई भी बच्चा यहाँ पर नहीं आया करेगा, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में क्या है, इन्होंने बाउंड्री लगाई यहाँ पर, पहला गेट लगाया, इनको वार्निंग दी गई कि आप गेट क्यों लगा रहे हैं, इन्होंने फिर भी नहीं मानी, उन्होंने गेट लगा लिया। इन्होंने तीन दिन का अभी यहाँ पर ये हुआ, ये वहाँ पर गेट बना रहे थे, यहाँ पर आए लोग, लोग आने के बाद उन्होंने कहा कि पार्षद साहब भी आए, उनका डॉक्यूमेंट दिखा दो, अगर आप बना रहे हैं लीगल है तो बनाइए और अनलीगल है तो तोड़िए। इनको इन्होंने आधे घंटे का टाइम मांगा, आधे घंटे का टाइम इन्हें दिया गया, ये कोई भी सबूत इनको पेश नहीं कर पाए। उसके बाद में पब्लिक ने आके सारा तोड़ दिया। ये नहीं, इस तरीके का नहीं, एक्चुअली ये विवादित है पहले से ही। अगर आपके राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से जिस तरीके से कर रहे थे उसमें अगर हम भी बल प्रयोग करते, अगर पुलिस प्रशासन बुलाते, और पूरे इसके कागज़ मौजूद हैं मेरे पास इस तरीके के। हाँ, कुछ पार्ट इसका है जो कि आज तक इसमें डिस्प्यूट है, वो क्लियर कभी भी नहीं हो पाया। उस वजह से इनका ये मानना है कि हम इस पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, और हमारा अपना मानना है कि नहीं, हम अपनी चीज़ को अपने पास ले रहे हैं। इस वजह से आज पूरा मॉब था और बच्चे यहाँ पढ़ ही रहे थे, आपको पता ही है, विद्यालय के अंदर, और इन्होंने ये पूरी दीवार गिराई है। है तो कष्ट का विषय सबके लिए। अगर बैठ के बात करते समझते कि हाँ भाई कितना इनका मतलब इसमें, मतलब मॉब को भी राइट नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि राइट तो प्रशासन का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का राइट तो है ही नहीं है किसी भी तरीके से। पर जो इन्होंने किया है वो ठीक है, अब कष्ट है, हो गया, अब काम ख़त्म है इस समय। बाकी जो चीज़ें हैं हमारे पास इसके पूरे, जो जहाँ हम स्थापित हैं हम अपनी जगह पर स्थापित हैं। सीतापुर में बाढ़ प्रभावित जनमुक्ति मोर्चा की ओर से कांशीराम कॉलोनी के बांछिदों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर बड़े चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उनकी ओर से मांग की गई कि बिस्वा तहसील के मुख्यालय के पास कांशीराम कॉलोनी बनवाई गई थी, जहां 15 मार्च 2018 से लोगों ने रहना शुरू किया था। वहीं कॉलोनी में बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके बाद यहां के निवासियों ने जनप्रतिनिधि को कांशीराम आवास कॉलोनी में बुलाकर उनको सम्मानित किया, साथ ही उनसे अनुरोध किया कि उनकी ओर से सभी को बिजली और पानी दिलवाया जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, लिहाजा सभी ने धरना शुरू कर दिया। गाजियाबाद के थाना मशहूरी क्षेत्र के ग्राम ढबारसी में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच फायरिंग हो गई। वहीं इस फायरिंग का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसके बाद जानकारी मिलने पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई। वहीं मसूरी थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। थाना मसूरी क्षेत्र के ढबारसी ग्राम में कल एक जमीन के विवाद को लेकर राजस्व की टीम मौके पर स्थलीय निरीक्षण करने गई थी। उसी समय वहां वर्तमान बाशित प्रधान पक्ष एवं पूर्व प्रधान बॉबी पक्ष के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। इस कहासुनी के बाद आज वापस से इन दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें वैध एवं अवैध असलहों से कुछ फायरिंग की गई है। पुलिस को मौके पर कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं, और इस मामले में संज्ञान लेकर पुलिस की तरफ मुकदमा लिखाकर दोनों पक्षों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो गोंडा में लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें कुछ घायल भी हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाथरस में एसओजी टीम और मुरसान पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ की संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें एसओजी और पुलिस ने 6 शातिर लुटेरों को लूट के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शातिर लुटेरों से पुलिस ने 2,50,000 रुपए और घटनाओं में प्रयोग होने वाली 2 बाइक और 2 तमंचे समेत मोबाइल भी बरामद कर लिया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर कानपुर देहात के माती मुख्यालय स्थित इको पार्क में मेला लगाया गया। वहीं मेले के माध्यम से किसानों ने खेती किसानी से लेकर कई प्रकार के स्टॉल लगाए, साथ ही किसान प्रदर्शनी के साथ साथ किसान सम्मान दिवस पर जनपद और ब्लॉक क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। किसानों को खेती के लिए किसान सम्मान दिवस पूरे प्रदेश में स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जनपद में जो अच्छे उत्कृष्ट कार्य के लिए हमारे किसान विभिन्न क्षेत्रों में, पशुपालन में है, हमारे
उद्यान के क्षेत्र में है, जो फसल उत्पादन में है, पशुपालन के क्षेत्र में है, मछली उत्पादन, को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ऐसे 25 लोग को प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 7,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार पाने वाले किसान भाई को 5,000 रुपये उनको और पशुपालन के माध्यम से पुरस्कृत किया गया है। हमारी गौ आधारित प्राकृतिक जैविक खेती, इसमें हम सभी प्रकार के अनाज जैसे उड़द है, मूंग है, मसूर है और गेहूं है, आरआर के देसी चीजें हैं, हमारी मक्का है देसी, मरुआ, इन चीजों की खेती हमारी होती है और इसमें हम किसी प्रकार की जीवामृत, घन जीवामृत कीटनाशक के उसमें प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।